जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राजपुरा। तो मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका, फिर से एक बार आपके लिए कंप्लीट जानकारी आपके बारे में। आज तक सिर्फ आपको मासिक राशि फल देता रहा, लेकिन कई लोगों के विचार आए कि साहब हर व्यक्ति के साथ एक ही घटना कैसे घटित हो सकती है। तो मैं भी तो यह कहता हूं कि अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आप हर व्यक्ति के साथ एक प्रकार की घटना घटित नहीं हो सकती है। और आप तो मेरे सबसे पसंदीदा और सबसे प्यारे दर्शक हैं, सबसे अधिक प्रेम मेरा आपके साथ है। तो मेरा प्रयास रहता है कि आपके लिए इतनी रिसर्च की जाए, इतनी जानकारी दी जाए कि जो आपके लिए बहुत लाभप्रद हो। साथ ही आज वो खुलासा आपके सामने करने जा रहा हूं, वो सच्चाई आपके सामने लेकर के आ रहा हूं जिसको अभी तक आपने जाना ही नहीं था। आखिरकार क्या है वो सच्चाई? तो वो सच्चाई ये है कि एक राशि, अगर आपका कुंभ राशि में भी जन्म हुआ है तो कुंभ राशि में 9 अलग अलग चरण हैं, 9 अलग अलग पार्ट हैं। कुंभ राशि की अगर 9 व्यक्ति को मैं एक साथ खड़ा कर दूंगा ना, तो 9 का जीवन बिल्कुल अलग अलग होगा। तो एक राशि के सभी व्यक्ति का जीवन एक जैसा हो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये जानना होगा कि कौन से चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपका जीवन किस प्रकार का होगा, आज ये बताने में आपके सामने आया हूं। तो कुंभ राशि, जिसको कि इंग्लिश में एक्वेरियस साइन कहा जाता है, किस नाम अक्षर वाले के कौन से चरण होते हैं कुंभ राशि? कुंभ राशि में अगर देखा जाए तो धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण, शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के 3 चरण सम्मिलित है। ध्यान रखिएगा, कुंभ राशि में कुंभ राशि के स्वामी शनि है, पश्चिम दिशा की प्रबल राशि है, काल पुरुष के एकादश भाव में विराजमान रहने वाली राशि है। अब कुंभ राशि में 9 चरण कैसे अलग अलग होता है ध्यान रखिएगा। अगर गा अक्षर पे बड़ा उ का मात्रा, जिसको कहा जाता है गु, अगर उस इस अक्षर से आपका नाम आता है, से गुड्डू हो गया, तो ये नाम आपके लिए कुंभ राशि में आपका नाम है। गे, गा पर ए का मात्रा अगर है तो आपका गेरू, गेहूं, ये सब कुंभ राशि के दूसरे चरण में आते हैं। अगर गा अक्षर पे ओ का नाम आता है, गोपाल, गोविंद, तो ये तीसरे चरण के अंतर्गत आपका नाम हो गया, तीसरा चरण है कुंभ राशि का। सा पर, सुबह वाला सा पर बड़ा का मात्रा है तो चौथा चरण है। सी, पांचवा चरण। सु, छठा चरण। से, सातवां चरण। सो, आठवां चरण। और दा, ये 9 चरण है। अब 9 चरण में जन्म लेने के बाद आपका जीवन किस प्रकार का होगा, यह जानकारी आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको देने का प्रयास करेंगे। 9 चरण में अगर पहले चरण में जन्म हुआ हो तो ऐसे परिस्थिति में आपका मध्यम जीवन रहता है, ना आप जीवन में बहुत कुछ सफलता प्राप्त करते हैं, ना ही जीवन में बहुत विफल रहते हैं। आप जीवन में अन्न करते हैं, खाते हैं, मतलब वो वाली स्थिति रहती है कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। पूरा जीवन उठते हैं, मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, शाम तक अपने जीवन में परिवार चलाने भर का जिंदगी में राशन इत्यादि, धन इत्यादि प्राप्त करते हैं, शाम को खाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठ करके वही जिंदगी स्टार्ट करते हैं। जीवन भर तनाव में तो रहते हैं कि साहब जितना मेहनत कर रहा हूं कुछ मजा नहीं आ रहा है। एक सामान्य जिंदगी आप एक मध्यम जिंदगी व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर कुंभ राशि के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ हो तो क्या परिस्थिति होती है? श्रीमान होते हैं, बड़ा सम्मान आपको मिलता है, बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, लोग आपका बड़ा सम्मान करते हैं, लोग आपको बहुत पूजते हैं, लोग आपको पूछते हैं, कहीं भी जाते हैं सभा में बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है, बड़ा सम्मान मिलता है, तो श्रीमान कहा जाता है। दूसरे चरण में जन्म हो तो जीवन बड़ा अच्छा होता है। अब अगर तीसरे चरण के अंतर्गत जन्म होता है तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति गूंगा होता है, मतलब या तो सभा में अपनी बात हम रख नहीं पाते हैं या हम ढंग से बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातों को ढंग से ना रख पाने के कारण हम परेशान होते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति गूंगा होता है, सभा में मूक होता है या बोलने इत्यादि में प्रॉब्लम हो, ऐसी परिस्थिति होती है। तो तीसरे चरण में अगर कुंभ राशि के जन्म हो तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से अगर चौथे चरण में जन्म हो तो व्यक्ति पुत्रवान होता है, उसके
संतान बड़ी प्रतिष्ठा नाम इत्यादि कमाने वाली होती है और संतान के बल पर उस व्यक्ति का जातक जातिका का नाम होता है, तो पुत्रवान कहा जाता है, संतानवान कहा जाता है। पांचवें चरण में जन्म हो तो राज्यमान यानी राजाओं में बड़े लोगों में प्रतिष्ठा सम्मान होता है, किसी बड़ी सभा में पहुंचे तो उसको लोग बड़े सम्मान बड़े आदर के साथ बिठाते हैं, सम्मान देते हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ होता है, कुछ नॉलेज होती है, कुछ विद्वता होती है, तो राज्यमान होता है। अगर आपका जन्म छठे चरण में हुआ है तो बड़े धर्मात्मा होते हैं, बहुत धर्म अच्छा लगता है, प्रत्येक कार्य आप बहुत अच्छे से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, तो आप धर्मात्मा होते हैं। अगर आपका पांचवें चरण के अंतर्गत जन्म हुआ है तो चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगर आपका छठे चरण में जन्म हुआ धर्मात्मा होते हैं। सातवें चरण में अगर जन्म होता है तो बहुत ध्यान लगाने वाले योगिंद्र कहा जाता है, योगियों का इंद्र मतलब योगियों का राजा। जैसे आज अगर देखा जाए तो कुछ कथावाचक हैं, कुछ योग करता है। अब स्वामी रामदेव को देखा जाए तो आज योगियों के ऊपर सरताज बन करके बैठे हैं ना, योग को बढ़ाने का। ऐसा नहीं कि योगी पहले नहीं रहे, योगी पहले रहे जिन्होंने बहुत अच्छा नाम किया। अगर आप योगियों को लेकर के बात करेंगे तो महर्षि महेश योगी इत्यादि का नाम रहा है भारत में, लेकिन रामदेव को इतनी प्रसिद्धि मिली कि आज योगिंद्र कहा जाने लगा। तो योगियों में आपका बड़ा नाम होता है। ध्यान साधना योग के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो आपको बड़ी अच्छी यश प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। आठवें चरण में जन्म होने पर एक अंग में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, अंगहीन होता है या होती है, इस प्रकार की बात कही जाती है। अगर नवे चरण के अंतर्गत जन्म होता है तो शुभ लक्षण होते हैं, यानी आप किसी को दिख जाएं तो उसका काम बन जाए, आप किसी के साथ चली जाएं तो उसका काम बन जाए, आप सभी के लिए शुभ होते हैं, शुभ लक्षणों से युक्त होते हैं। अब रात को 12 बजे और दोपहर को रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, मेरे साथ लाइव आकर के जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, कुछ आपके लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, और बात करना है तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर भी बात कर सकते हैं। कष्ट का समय, इससे आप और क्लियर कर पाएंगे कि मेरी कुंभ राशि है या नहीं। 7 दिन के जब होते हैं तो आपको कष्ट होता है, 18 वर्ष के होते हैं और 32 वर्ष के होते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, एक्सीडेंट हो, चोट लगे, कोई बड़ी रोग हो जाए, परेशान हो, इस प्रकार की परिस्थिति होती है और आपके शरीर में कष्ट होता है। यदि शुभ ग्रह से दृष्टि इत्यादि हो तो 61 वर्ष का स्पेशली उम्र तो होती ही है, जनरली 80 वर्ष तक आयु मानी जाती है। माघ शुक्ल पक्ष के दूसरे बृहस्पतिवार को उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र के अंतर्गत आप लोग देह का त्याग करते हैं। अब इस कार्यक्रम को विराम देते हैं, मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ। वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिए अपने प्रोफाइल पर, रीजन है कि हो सकता है कि वीडियो हटा दी जाए सोशल मीडिया से, तो आप कहीं सेव करके ना रख पाएं तो आपके लिए दिक्कत हो जाए, इसलिए प्लीज सेव करके रख लीजिएगा ताकि इसको भविष्य में आप दोबारा देख सकें। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।